पेयर किया। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में हम लोगों को सबसे पहले जो था वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखना है, कितना था, 4 लाख एंड 1 लाख। वो बैलेंस हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, बाई बैलेंस बी बाई डी 4 लाख एंड 1 लाख। ए और बी का बैलेंस हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। फिर रिवैल्यूएशन में आप लोगों को प्रॉफिट कितने का हुआ था, ए को प्रॉफिट हुआ था 14,100 का, बी को प्रॉफिट हुआ था 4,700 का। इस प्रॉफिट को हम लोगों ने ट्रांसफर कराया है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 14,100 एंड 4,700। उसके बाद में न्यू पार्टनर का जब एडमिशन हुआ था सो ही वॉज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग कैपिटल। वो कैपिटल लेकर के आने वाला था, उसने कितनी कैपिटल लेकर के आई थी, ही ब्रॉट इन ₹2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड ₹50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। दैट मीन्स वो कैपिटल लेकर के आया कितने का, 2 लाख का। तो वो 2 लाख हम लोग दिखाएंगे क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बाई बैंक करके हम लोग दिखाएंगे सी के कॉलम में ₹2 लाख। फिर उसके बाद में वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया था, लेकिन जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसको हम लोगों को यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, वो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सम जब खत्म हो जाएगा तो उसके एंड में हम लोग कहीं पे ये एंट्री लिख देंगे। नरेशन दे देंगे, बीइंग कैश ब्रॉट इन फॉर गुड। तो उसकी जो ये जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया है उसका पोस्टिंग कहीं भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होगा, पर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा, पार्टनर्स के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Why? Because नया पार्टनर जो है वो गुडविल का शेयर लेके आया है, उसे पुराने पार्टनर लोगों ने कहा होगा ना कि हम लोग इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों का गुडविल जनरेट हुआ है, उस गुडविल को आप भी इंजॉय करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आओ। तो वो जब गुडविल लेकर के आएगा तो वो गुडविल क्या हो जाएगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, किस बेसिस पे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे नहीं होता है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इसलिए नहीं होता है बिकॉज नए पार्टनर के आ जाने के बाद में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है वो तो रेलेवेंट रहता ही नहीं है। हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि नए पार्टनर के आ जाने से ओल्ड पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट में कितना कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा है, जितना सैक्रिफाइस करना पड़ा है उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में ये प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। तो हम लोग देखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना, 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना, 3:2:3। तो अब जब नया पार्टनर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग जो फाइंड करेंगे उसका हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए जो था उसका शेयर कितना था, 3/4, बिकॉज ओल्ड पीएसआर आप लोगों का कितना था, 3:1 था ना, और न्यू पीएसआर आप लोगों का कितना हो गया, 3:2:3। तो ए का ओल्ड पीएसआर था 3/4, ओल्ड शेयर था 3/4। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका कितना हो जा रहा है, नया शेयर कितना हो जा रहा है, 3/8। तो 3/4 माइनस 3/8 करोगे तो कितना आएगा, 3/8। यानी कि सी के आ जाने से ए को अपने प्रॉफिट का 3/8 पोर्शन सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है।
और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी का पहले था शेयर कितना 1/4, अब नए पार्टनर के आ जाने से उसको कितना मिलेगा 2/8, तो 1/4 माइनस 2/8 ये कितना होता है 1/4 ही होता है, 1/4 माइनस 1/4 दैट इज नील। ये इंडिकेट करता है कि सी के आ जाने से बी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग, ही इज नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग, तो क्या उसे प्रीमियम फॉर गुडविल मिलना चाहिए? नहीं, नहीं मिलेगा उसे। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर सी लेके आया है वो पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगा, ए को, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा 50,000 जो था वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ए के कैपिटल अकाउंट में। यहां तक आप लोगों का होपफुली क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग कैपिटल, हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कैपिटल जो है वो पार्टनर्स का कितना हो रहा है। कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग कैपिटल को, यहां पे कितना था 4 लाख था, फिर उसके बाद में रिवैल्यूएशन का 14,100, 4 लाख 14,100, फिर उसके बाद में ये 50,000 कितना हो गया 4,64,100। बी का भी हम लोग देख लेते हैं कितना हो रहा है 1,04,700 कितना हो गया 1,04,700। अब बोला जा रहा है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड। सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सी का जो कैपिटल आया उससे हम लोग निकालेंगे ए और बी का कैपिटल। तो हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी कि ए और बी का जो है वो कैपिटल कितना होगा। आइए देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सी का जो कैपिटल है दैट इज फॉर 3/8 शेयर, 3/8 शेयर हाउ मच मनी इज ब्रिंगिंग 2 लाख रुपीज। तो अगर एक पार्टनर 3/8 शेयर के लिए 2 लाख रुपीज लेके आ रहा है सो दैट मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया 2 लाख × 8/3 दैट कम्स आउट टू बी 5,33,333। मतलब सी के कैपिटल के बेसिस पे पूरे फर्म का जो कैपिटल है इट शुड हैव बिन 5,33,333। अब 5,33,333 का 3/8 बिकॉज जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2:3, तो इसका 3/8 जो है वो क्या हो जाएगा ए का कैपिटल वो कितना हो गया 2 लाख, बी का कैपिटल कितना हो जाएगा 5,33,333 का 2/8 दैट इज 1,33,334। तो ये इनका कैपिटल हो गया, ये इनका कैपिटल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर। ए का कैपिटल 2 लाख जो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बी का कैपिटल 1,33,334 और सी का कैपिटल जो वो लेकर के आया था 2 लाख रुपीज। तो ये जो कैपिटल का फिगर है इस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे यहां पे नोट डाउन करेंगे टू बैलेंस सी बाई डी 2 लाख 1,33,334 और 2 लाख। और जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट या क्रेडिट में जहां भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू इंडिकेट करेंगे। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं ए का जो टोटल है क्रेडिट साइड का दैट इज 4,64,100, यानी कि ए का कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए था 2 लाख, होना चाहिए था 4,64,100 पर है कितना 2 लाख। दैट मीन जो डिफरेंस अमाउंट है 4,64,100 माइनस 2 लाख, इतने से क्या हो रहा है सी का कैपिटल ए का कैपिटल बैलेंस जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है इसको हम लोग क्या करेंगे ए के करंट अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे। 2A's करंट अकाउंट 2,64,100 दैट इज 4,64,100 जो क्रेडिट साइड का टोटल था दैट माइनस आपको जो रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन करना है 2 लाख। तो ये 2,64,100 क्या हो गया 2A's करंट अकाउंट करके दिखाएंगे बिकॉज आपको सम के अंदर मेंशन किया हुआ था कि फॉर सरप्लस और डेफिशिएंसी द करंट अकाउंट आर टू बी ओपन। तो आप लोगों ने ये करंट अकाउंट ओपन किया तो ये जो सरप्लस था ए के कैपिटल अकाउंट में उसको आप लोगों ने क्या किया ए के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो सरप्लस है ये ए के करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया है ये आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर।
बीके केस में क्या हुआ है, आप लोगों को कैपिटल मेंटेन करना है उसका 1,33,334, पर यहां पे जो कैपिटल का बैलेंस आ रहा है दैट इज ओनली 1,04,700, यानी डेफिशिएंसी है ना उसके कैपिटल में, तो वो डेफिशिएंसी किसके थ्रू एडजस्ट कराई जाएगी, बाई बीज करंट अकाउंट 28,634। ये कैसे आया, 1,33,334 माइनस 1,04,700, ये फिगर हो गया 28,634। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कुछ एडजस्टमेंट नहीं था 60,000। बिल्स पेबल 20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था उसके अंदर में। फिर उसके बाद में कैपिटल अकाउंट, ए का बैलेंस आया 2,00,000, बी का बैलेंस आया 1,33,334 और सी का बैलेंस आया 2,00,000। टोटल कैपिटल हो गया 5,33,334। लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आ गया 8,77,434। अब हम लोग आ जाते हैं एसेट साइड में। मैं सबसे पहले देखते हैं कैश अकाउंट। कैश का जो बैलेंस था वो आपको सम के अंदर में दिया हुआ था 90,000। तो कैश का बैलेंस क्या हो गया 90,000 प्लस, जब सी का एडमिशन हुआ तो सी लेकर के आया था 2,00,000 कैपिटल का और साथ ही साथ वो लेकर के आया था 50,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये क्या हो गया 2,50,000। तो ये 2,00,000 और 50,000 से कैश का जो बैलेंस है वो बढ़ गया, ये 3,40,000 आप लोग दिखा दोगे, कैश का बैलेंस आ गया। फिर डेटर्स था 80,000 का, उस पर आप लोगों को क्रिएट करने के लिए बोला गया था क्या चीज, पीबीडीडी 5% का, वो आप लोगों ने क्रिएट किया है, रिवैल्यूएशन में आप लोगों ने दिखाया है उसको, वो आपका करने के बाद में ये 4,000 का पीबीडीडी माइनस करने के बाद में आपका जो बैलेंस है डेटर का दैट कम्स आउट टू बी 76,000। फिर उसके बाद फिर स्टॉक, स्टॉक का जो फिगर था, स्टॉक में आप लोगों को 1,50,000 दिया हुआ था और उसके बाद में बोला गया था कि 50,000 से वैल्यू को अप्रिशिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे 1,50,000 प्लस 50,000, ये 2,00,000 रुपीज हो गया। फिर फर्नीचर की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई थी 50,000 माइनस 2,000 48,000। मशीनरी की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई थी 2,10,000 माइनस 25,200, ये आ गया 1,84,800। और उसके बाद में देखिए आप लोग यहां पे 2A's करंट अकाउंट आप लोगों ने लिखा था ना, दैट मींस व्हाट, आपका जो करंट अकाउंट है वो क्या हुआ है, एंट्री क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल 2A's करंट अकाउंट, मतलब A's करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी A's करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे A's करंट अकाउंट 2,64,100। और वैसे ही बी का आप लोगों ने कहां पे शो किया है, यहां बाई बीस करंट अकाउंट करके 28,634। जर्नल एंट्री क्या हुआ, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये 28,634 का क्या हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया, बिकॉज बीस करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ये डेबिट बैलेंस आप लोग शो करोगे यहां पे एसेट साइड, तो आप लोगों का बैलेंस शीट का टोटल आ गया 8,77,434 लाइबिलिटी और एसेट साइड दोनों का। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे के पार्ट में मैं आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा।